ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए 9वें आयुर्वेद दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA नई दिल्ली में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने आज आयुर्वेद दिवस के अवसर पर कहा कि भगवान धन्वंतरी की जयंती का शुभ अवसर हमारी महान संस्कृति में आयुर्वेद की उपयोगिता और योगदान से जुड़ा है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आयुर्वेद चिकित्सा की एक प्राचीन प्रणाली पूरी मानवता के स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी बनी रहेगी और इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, जो वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान के लिए आयुर्वेदिक नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी। डॉक्टर तनुजा, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी को धन्वंतरी दिवस की और आयुर्वेद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर तनुजा, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को बताएं कि धन्वंतरी जयंती कैसे रिलेट करता है आज आयुर्वेद दिवस से और जो तमाम हेल्थ इनिशिएटिव्स आज लिए गए हैं उससे। जी, धन्वंतरी जयंती, ये जो धनतेरस है, दिवाली पहला दिन, ये धन्वंतरी जयंती के नाम से हर घर में मनाया जाता है और धन्वंतरी ये आरोग्य की देवता है और हम कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, मतलब आरोग्यम धन संपदा। इसी दृष्टि से स्वास्थ्य जिनके पास है वही बड़ा धन का मालिक है और आयुर्वेद की देवता धन्वंतरी भगवान उनकी पूजा करते हैं। इसीलिए 9 साल पहले धन्वंतरी दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और अभी वैश्विक स्वास्थ्य दिवस भारत की तौर से मनाया जाने लगा और इसीलिए आयुर्वेद दिवस ये धन्वंतरी दिवस को ही नाम देके वो मनाया जा रहा है। और जैसे आपने कहा कि हर साल एक एक थीम लेके हर घर तक, हर लोगों तक आयुर्वेद का दोबारा एक स्वस्थ और खुशनुमा जिंदगी जीने का एक मंत्र है। आयुर्वेद, आयुर्वेद इज अ वे ऑफ लीडिंग हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी धरोहर ही अपने आप में दोबारा एक बार हम अंगीकृत करें, जिससे व्याधि होने से ही बचाव हो, इलाज करने के पहले हम ना ही हो उसी के ऊपर ध्यान दे, प्रतिबंधात्मक व्याधि क्षमता बढ़ाने के लिए, इसीलिए इसी के ऊपर बहुत जोर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि पिछले 2 साल से एक जैसे योग दिवस पूरे भारत वर्ष में हर कोई मनाता है, विश्व में हर कोई मनाता है, वैसे ही पिछली बार 150 कंट्री में आयुर्वेद दिवस मनाया और भारत वर्ष में भी 22 मिनिस्ट्री एक साथ आके हर दिन हर घर आयुर्वेद, ऐसे पिछले साल का नारा था कि हर किसी को समझाए कि जो आप कर रहे वही आयुर्वेद है, माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल थिंकिंग। और इस साल जो एक आयुर्वेद में इनोवेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत बड़े अवसर है, ये एक सनराइज सेक्टर है, इसीलिए इस साल आयुर्वेद इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ, मतलब आयुर्वेद के नवाचार वैश्विक स्वास्थ्य के लिए, इसकी पहल लेके सभी जगह आयुर्वेद उत्सव मनाया जा रहा है धन्वंतरी दिवस। और जितनी जितनी पहल हो गई, वो चाहे खान पान में हो, फूड टेक्नोलॉजी में हो, इनक्यूबेशन आईटी सेक्टर में हो, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, और भी सभी सेक्टर के, जैसे महिलाओं के लिए आयुर्वेद, मेंटल इलनेस वेलनेस, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, ऐसे स्कूल स्कूल में जाके मीडिया कैंपेन रैली, ऐसे डिफरेंट माध्यम से ये आयुर्वेद दिवस लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी डॉक्टर तनुजा, आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 150 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और आयुर्वेद को लेकर के पूरे विश्व में आकर्षण बना हुआ है, ये प्रमाण है। तो वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद इतना आगे बढ़ा है, इस पे आपके क्या विचार हैं? जी, आज का प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी पहल कही। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास परंपरा है, ये हमारी विरासत है, इट इज अ सॉफ्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया और इंडियन नॉलेज सिस्टम है और वो पूरे मानव जाति को देन है। लेकिन उन्होंने ये कहा परंपरा के साथ साथ प्रामाणीकरण हो, परंपरा और प्रमाण दोनों साथ में हो, मतलब
पूरे विश्व में एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद जाए, अनुसंधान करने के बाद, रिसर्च करने के बाद जो उसके परिणाम है जी वो सभी जगह हम असरकारक पहुंचाए। और इसीलिए जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, ये जी वो जो एक टर्शरी केयर सेटअप है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और ऐसे आज पूरे 57 इंस्टीट्यूशन का लोकार्पण, शिलान्यास, ऐसे सभी उपक्रम किए। और बड़ी पहल ये थी आज का प्रधानमंत्री जी का जो एक योजना रही, ये दर्शाता है कि फ्यूचर ऑफ द मेडिसिन इज इन इंटीग्रेशन। आज एक ही मंच पे आयुष के मिनिस्टर और हेल्थ के मिनिस्टर और ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में आके ये पूरे 57 सब प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ। यही दर्शाता है प्रधानमंत्री जी की विजन, यही है कि एक होलिस्टिक वेलबींग की बात हो रही है। जी मतलब एक पैथी बेस्ड इंटीग्रेशन ना होते हुए माइंड बॉडी सोल, मतलब एक ह्यूमन सेंट्रिक, पर्सन सेंट्रिक हो, और एक ग्लोबल हेल्थ, मतलब विश्व को वसुधैव कुटुंबकम मान के वन हेल्थ के लिए अगर सब मिलके अगर इसकी तोड़ निकाले तो एक जो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, रिहैबिलिटेटिव और थेरापेटिक, ऐसे सभी स्तर पर हम स्वास्थ्य की सेवा दे सकते, बेहतर सेवा दे सकते जी हैं। और आयुर्वेद दिवस पे ये पहल करना एक बहुत बड़ी विजन दर्शाता है कि जी विश्व स्तर पे अगर हम इंटीग्रेशन करके साथ चले तो पूरे दुनिया के हेल्थ केयर के हम लीडर हो सकते हैं। और 2047 में ये सशक्तिकरण, मतलब स्वास्थ्य से लेके सबलीकरण से समृद्धि की ओर हम जा सकते हैं, ये संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज दिया जी और ये 150 देशों में गया। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। हेल्थ इज वेल्थ, यह प्राचीन चिंतन आज आयुर्वेद दिवस के रूप में पूरी दुनिया में छा रहा है। हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 150 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। ये प्रमाण है आयुर्वेद को लेकर बढ़ रहे वैश्विक आकर्षण का, और ये प्रमाण है कि नया भारत अपने प्राचीन अनुभवों से विश्व को कितना कुछ दे सकता है। डॉक्टर तनुजा, अगर हम महिलाओं के संदर्भ में देखें तो क्या फोकस एरिया है महिलाओं की हेल्थ? कई तरीके के यूनिक चैलेंजेस हैं हेल्थ चैलेंजेस महिलाओं के साथ, तो आयुर्वेद की क्या अप्रोच है उसको लेके? जी, बहुत बड़ा आयुर्वेद में स्त्री रोग और बाल रोग, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए पूरी स्पेशलिटी है। और स्त्री के, महिलाओं के सभी अवस्था में, जैसे कि युवा अवस्था, एडोलिसेंट गर्ल से लेके चाइल्ड बियरिंग एज, फिर प्रसूति के बाद की सूतिका अवस्था और उसके बाद मेनोपॉजल एज और वृद्धावस्था, ये सभी में आयुर्वेद में क्या क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कौन से न्यूट्रिशन का आहार लेना चाहिए, विहार क्या हो, योगासन कैसे हो, व्यायाम कैसे हो, और उससे भी बड़ा महिला जो एक मल्टी चैलेंजिंग टास्क करती है क्योंकि घर भी संभालती है और ऑफिस भी करती है और सभी जगह वही एक लीड रोल करती है, तो जो एक मेंटल स्ट्रेस होता है उसके लिए कैसी एक जीवन शैली में बदलाव करे, अपने आप का मानसिक स्वास्थ्य वो कैसे बनाए रखे, ये सभी के लिए आयुर्वेद में एक होलिस्टिक सॉल्यूशन बताया है। और आजकल केवल फॉलिक एसिड और आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं गर्भवती महिलाओं को, लेकिन यहाँ नवायास, लोह, च्यवनप्राश, ऐसे कई सारे सप्लीमेंट्स है कि जो स्वास्थ्यवर्धक भी है और गुणकारी भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो ये भी महिलाओं के लिए, सभी अवस्था के लिए कहा है। जैसे जो एडोलिसेंट गर्ल है तो उसकी कई सारे चैलेंजेस है, मेनोरेजिया और डिसमेनोरिया, उसी के लिए भी एक एविडेंस बेस्ड ऐसे अप्रोच से हम ले आए हैं, जैसे कि मिड डे मील में, न्यूट्रिशन में तिल के लड्डू या उसकी इमली की कैंडी या न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये भी महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए, स्कूल एजिंग गर्ल के लिए भी ये कई सारी पहल मिनिस्ट्री जी लेके आई है और मिड डे मील से लेके कई प्रोजेक्ट्स में उसको अंतर्भूत किया गया जी है। प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा यानी कि मॉडर्न मेडिसिन को लेकर के उन्होंने उसके एकीकरण की बात की। उन्होंने कहा कि ये एक साथ आके स्वास्थ्य में एक नए अध्याय का उल्लेख उन्होंने किया है। ये कैसे जी हासिल किया जाएगा, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं?
जी, आने वाले कल में अगर हमें बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए एकीकरण मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच से होलिस्टिक थिंकिंग से आगे बढ़ना होगा, तो इसमें ना कि कंपटीशन लेकिन कॉम्प्लीमेंटरी रोल एक दूसरे का हो सकता है। हर साइंस की स्ट्रेंथ है, लेकिन फॉर एग्जांपल कई कंडीशन में अगर एलोपैथी की दवा भी ले रहे हैं तो आयुर्वेद का जो खान पान है, योग है, मेडिटेशन है, ये सभी आहार विहार आचार ये उसमें डल सकते, सप्लीमेंट डल सकते, पंचकर्म से डिटॉक्स हम कर सकते हैं, उसके बाद दवा ले सकते हैं। कई बार आयुर्वेद ही प्रधान औषधि करके हम एक्यूट कंडीशन में एलोपैथी कर सकते हैं, तो वो इंटीग्रेटेड हर एक व्याधि का हर एक डिसीज से एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल और अल्गोरिदम बनाते हैं। और हमने भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने मिलके ऐसे एक अल्गोरिदम बना के नीति आयोग के पास है, और वो शायद ये इंटीग्रेशन जैसे कोविड में भी उसकी गाइडलाइन थी, ऐसे हर डिसीज की गाइडलाइन कब कौन सा यूज करना इसकी गाइडलाइन है, तो मुझे लगता है हर किसी को वो उपचार करने के लिए बहुत आसान होगा। जी, आपने समुदाय की बात करी, कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव्स की आपने बात करी, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिरों जैसी पहल जो है, इनकी भूमिका बीमारी को प्रारंभिक निदान या और या फिर हम जिसे कहें कि अर्ली डायग्नोसिस में इसका कितना बड़ा रोल जी, रहा? ये बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी है, तो उसमें 12,500 आरोग्य मंदिर ये स्टैंड अलोन आयुर्वेद के भी है, हेल्थ जी एंड वेलनेस सेंटर 1.5 लाख में, और जिसमें योग, आयुर्वेद, सप्लीमेंट, सिंपल उपचार ये भी लोग लेते हैं। और हमारा ये एक आंकड़ा कहता है कि जहां जहां ये ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, आरोग्य मंदिर है, वहां आयुर्वेद के वहां लोगों की, बुजुर्गों की जाने की भीड़ ज्यादा है, मतलब जी उसके बेनिफिशियरी अधिक हैं। और अभी जो एक पीएम जेवाई स्कीम में है, उसी में भी जो 5 लाख का धनादेश आज जो 70 साल की उम्र के बाद एक घोषणा की, तो उसमें ये पैथी सेंट्रिक नहीं है, हर किसी के लिए जो कोई भी लेना चाहेगा उसका उसमें समावेश है। और अभी इंश्योरेंस सेक्टर में भी यही है, इन एकीकृत की बात है कि हर इंश्योरेंस कंपनी को एक आदेश गए है कि केवल एक पैथी नहीं, सभी जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन से जो प्रमाणित किए हैं, ये सभी चिकित्सा आयुर्वेद में भी इसमें समाविष्ट है, पंचकर्म में भी इसमें इसका भी समावेश किया गया है। डॉक्टर तनुजा, जब हम इस तरीके की पहल देखते हैं सरकार द्वारा, तो क्या लॉन्ग टर्म विजन आप देखती हैं? फ्यूचर ऑफ द मेडिसिन इज इंटीग्रेशन, यही मैं कहूंगी। और भारत जैसे देश में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में, जहां बेहतर स्वास्थ्य सेवा एकीकृत उपचार पद्धति से हो रही है, तो वहां हर आम आदमी का स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, वो आने वाले कल में बहुत उसकी बचत होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होने में बहुत मदद होगी। इसीलिए ये एकीकृत चिकित्सा प्रणाली, हर किसी की स्ट्रेंथ को अपना के करना, ये सरकार की पहल से ये हो रहा है, तो मुझे विश्वास है आने वाले कल में हर कोई इसको अपनाएगा। जी, श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से स्पष्ट है कि भारत स्वास्थ्य सेवा एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का एकीकरण, आयुष्मान भारत योजना का विस्तार और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विकास, सभी ये दर्शाते हैं कि सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। आने वाले वर्षों में ये प्रयास न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करेंगे, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एक समग्र और समृद्ध भविष्य का निर्माण भी करेंगे। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और आने वाले सभी त्योहारों की आपको और डॉक्टर तनुजा आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे 9वें आयुर्वेद दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।